तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। क्लास 9th का चैप्टर 15 है साइंस का। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमें पता है कि सारे जो जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए बोला जाता है, तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड चाहिए होता है। फूड सप्लाईज प्रोटीन। फूड से हमें ये सारी चीजें मिलती है, प्रोटीन जैसे अपनी बॉडी के अंदर क्या है, इन सब चीजों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड से हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, ये मिनरल्स मिनरल्स मिलते हैं, ये सब हमें फूड से मिलते हैं। किसी फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जैसे हम रोटी खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, दाल से प्रोटीन मिलता है, फैट्स जैसे दूध दही घी में फैट होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। तो अलग अलग मतलब फूड से हमें ये अलग अलग मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें मिलते हैं, तो ये फूड से हमें मिलते हैं। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। अपनी बॉडी के ये सारी चीजें हमें क्यों चाहिए होती है, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन मिनरल्स, ये सब हमें हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और अपनी हेल्थ के लिए, मतलब बढ़ने के लिए। एक तो जैसे बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, और बॉडी में कुछ भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ग्रोथ और हेल्थ के लिए, ठीक है, कुछ भी इंजरी होती है तो अपने आप धीरे धीरे, छोटी मोटी इंजरी होती है धीरे धीरे खुद ही रिकवर हो जाती है। फूड खाते हैं अपन, ठीक है, उससे ये सारी चीजें मिलती हैं, और यही चीजें मतलब उसको हील करने में, ग्रोथ करने में, हर चीज में मदद करती है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। हमें प्लांट और एनिमल दोनों से फूड मिलता है, ठीक है, प्लांट से हम जैसे सब्जियां लेते हैं अपन, ये सब प्लांट से मिलती हैं, और एनिमल्स से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दही लस्सी, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है, ठीक है, या फिर जो नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए, तो हमें मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों से हमें क्या मिलता है, दोनों हमारे मेजर सोर्सेज हैं फूड के। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें ज्यादातर ये फूड कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर, खेती से ही तो प्लांट उगते हैं, और फिर वहां से हमें गेहूं जो भी चीजें वो सब हमें मिलती है, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि जैसे ये पालते नहीं इनको, यहाँ से इसको लिख भी लो, यहाँ से मीनिंग लिखते जाओ कुछ ही। हस्बेंड्री का मतलब हो गया फार्मिंग, लुकिंग आफ्टर एनिमल्स एंड फूड क्रॉप्स, ठीक है, मतलब एनिमल्स को जो पालना होता है उसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कृषि, खेती, पशुओं और फसलों की देखभाल करना, तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री आया तो मतलब पशुओं की देखभाल करना, ठीक है। एग्रीकल्चर हस्बेंड्री आता तो यहाँ पर आता कृषि, फार्मिंग से रिलेटेड आता वो, ठीक है, तो ये लिख लिया करो, ये जो भी मैं मीनिंग्स यहाँ पे दिखा रही हूँ उनको लिख लो यहाँ से, और रिसोर्स भी लिख लो, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, ये भी लिख लो यहाँ से, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। अ सप्लाई ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। रिसोर्स मतलब जो हमारे काम की चीज है, एक तरह से रिसोर्स का मतलब ये होता है, कोई भी चीज जो हमारे काम में आती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। अ सप्लाई ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज, ठीक है। रिसोर्स का पूरा एक चैप्टर भी है 7th या 8th क्लास में, कि रिसोर्स का क्या मतलब होता है। बुक में ही लिख लिया करो, ये जो भी मीनिंग्स यहाँ दिखा रहे हो ना, बुक में ही लिख लो, दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। यहाँ पे लिख लो रिसोर्स का मतलब, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मतलब जो फूड जो संसाधन है उनमें इम्प्रूवमेंट, उनमें सुधार, चैप्टर का मतलब ये है, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब वही जो जो भी फूड हमें अवेलेबल है यूज करने के लिए, वही हो गया रिसोर्स, रिसोर्स जो हमारे काम की चीज है, एक तरह से सिंपल सी भाषा में बोले तो, ठीक है। तो हमें प्लांट एनिमल दोनों ही मेजर सोर्स है फूड के, दोनों से हमें फूड मिलता है, और
फूड हमें एग्रीकल्चर खेती से मिलता है, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को पालते हैं ना लोग, जैसे भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, ठीक है, ऊंट पालते हैं, पिग को भी पालते हैं, फिर उसका मीट खाते हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ से मिल जाती है। वी रीड इन न्यूज पेपर्स दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बींग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखो खेती को मतलब सुधारने के लिए, खेती का प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो, जो भी मतलब हम लगा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगे, हम गेहूं लगा रहे हैं वो अच्छी फसल लगे, मतलब अच्छे से लगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है, जो भी खेती में जो भी उत्पादन होता है उसको इम्प्रूव, उसको सुधारने के लिए कई एफर्ट्स मतलब किए जा रहे हैं, कि किसानों को जैसे लोन भी देते हैं, उनको अच्छे बीज प्रोवाइड करवाते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो, मतलब खेती बाड़ी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड, कि हम एफर्ट्स किए जा रहे हैं प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री को भी और एग्रीकल्चर को भी, ठीक है। तो व्हाई इज दिस नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है? जरूरी है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, एग्रीकल्चर खेती नहीं होगी, खेती से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो फिर लोग भूखे मरेंगे ना, अगर कम खाना दाना पानी रहेगा तो इसलिए जरूरी तो है। व्हाई इज दिस नेसेसरी, व्हाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम अभी जो करंट लेवल पे जो भी उत्पादन हो रहा है उस पे हम क्यों नहीं मतलब चला पा रहे हैं? व्हाई वी कांट, व्हाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलस मतलब बहुत बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में, तो अवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है वो 1 बिलियन पीपल से भी ज्यादा है, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग, और अभी भी बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, पता है ना सबसे ज्यादा चाइना की, फिर इंडिया का नंबर आता है, तो इंडिया की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चाइना का वैसे भी जो एरिया है वो ज्यादा है उसका, तो अपना एरिया भी चाइना से कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, और अपनी पॉपुलेशन उनको क्रॉस ना कर जाए, सबसे फर्स्ट नंबर पे ना आ जाए कहीं, ठीक है, तो अपनी पॉपुलेशन अभी भी स्टिल ग्रोइंग, अभी भी बढ़ती जा रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर, तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए फूड जो है, खाना है, उसको भी अपन को, उसकी प्रोडक्शन को भी अपन को बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स एव, हर साल हमें इससे ज्यादा, 1 क्वार्टर, 1 बिलियन, 1 बिलियन टन क्वार्टर से ज्यादा हमें ग्रेन की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। तो दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड, और ये कैसे हो सकता है कि खेती को बढ़ाया जाए, और ज्यादा खेती करी जाए, ठीक है, और जमीन पे, बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, लेकिन हमारे इंडिया में वैसे ही इंटेंसिव मतलब होता है गहन, मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ से भी लिख लो उसको, इंटेंसिव का मीनिंग लिख लो यहाँ से, देखो मतलब गहन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, कह लो ऐसे, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क और केयर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सीमित समय में काफी अधिक कार्य या सावधानी की अपेक्षा हो, या फिर यूज्ड अबाउट मेथड ऑफ फार्मिंग एम्ड एट प्रोड्यूसिंग एज मच फूड एज पॉसिबल फ्रॉम द लैंड और मनी अवेलेबल, खेती की विधि जिसमें उपलब्ध भूमि और धन की सहायता से यथासंभव अधिकतम उपज लेना लक्ष्य हो, गहन इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव का मतलब यही हो गया कि मतलब जितना ज्यादा फूड हम प्रोड्यूस कर सके ना, जितनी भी हमारे पास जमीन है या जो पैसा है, तो उससे हम जितना फूड बना सके उतना बना ले, वो हो गया इंटेंसिव, मतलब इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क और केयर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये लिख लो या तो, या ये लिख लो,
यूज्ड अबाउट मेथड ऑफ फार्मिंग, वैसे नहीं अपना सेकंड वाला ही होना चाहिए, एम्ड एट प्रोड्यूसिंग एज मच फूड एज पॉसिबल फ्रॉम द लैंड और मनी अवेलेबल, मतलब जितनी भी जमीन है उससे हम जितना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा ही एम करना कि जितना ज्यादा हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना करें, और जो भी हमने पैसा मिला है और जो जमीन मिली है उससे। और इसका भी लिख लो, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, कल्टीवेट, ये भी यहीं से लिख लो इसको भी, फसल उगाने के लिए खेत जोतना, ठीक है, फसल उगाना खेती करना, इसको इसका मतलब होता है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड और टू सेल, मतलब प्लांट्स लगाना खाने के लिए या बेचने के लिए, टू प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड और टू सेल, टू ट्राई हार्ड टू डेवलप अ फ्रेंडशिप विद समबडी, ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला है सेकंड वाला जो लिखना है लिख लो, या हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो। अब आगे चलते हैं, देखो क्या बोला इसने, दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, इंडिया में वैसे ही बहुत खेती होती है इतनी, तो एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, मतलब हम एरिया और नहीं बढ़ा सकते, वैसे ही इतना खेती के लिए हमने इतना इतना एरिया दे रखा है, ठीक है ना, तो और ज्यादा हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक तरह से जैसे क्षमता, तो जो प्रोडक्शन की जो मतलब जो उत्पादन है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहां से भी लिख लो चलो उसको। देखो क्षमता, कार्य कुशलता, मतलब उस जो भी प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, मतलब उसकी मतलब उसे बढ़ाना एक तरह से, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एफिशिएंट एन एक्शन डिजाइन टू अचीव एफिशिएंसी, ठीक है, तो कार्य क्षमता है उसकी क्षमता को, प्रोडक्शन मतलब जो उत्पादन है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा दोनों ही चीजों में, क्रॉप्स में भी और लाइव स्टॉक, इसको लाइव स्टॉक भी बोलते हैं जो हम ये जीव जंतु पालते हैं, इनको इस नाम से भी बोला जाता है। लाइव स्टॉक मतलब ये लिख लो यहाँ से, एनिमल्स दैट आर कैप्ट ऑन अ फार्म सच एज काउस पिग्स शेप एटसेट्रा, तो गाय सुअर भेड़ आदि जैसे पशु पशुधन, ठीक है, एनिमल्स जिनको फार्म में रखा जाता है, तो ये पूरे लाइव स्टॉक के अंदर ये सारे आ जाते हैं जिनको भी हम पालते पोसते हैं, तो एनिमल्स दैट आर कैप्ट ऑन अ फार्म जैसे काउ को पिग को शीप को भेड़ों को सुअर को और गाय को, ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है उत्पादन की जो क्षमता है, मतलब ज्यादा उत्पादन, उतनी ही जमीन है लेकिन जमीन पे ढंग से गेहूं लग ही नहीं रहे, पूरी जमीन पे अच्छे से उत्पादन हो जाए, अच्छे से गेहूं लग जाए। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेसेस सो फार, एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड्स बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अपन फूड डिमांड को एक तरह से उसके जो फूड की जो भी डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं, मतलब फूड डिमांड को हम कंप्लीट कर रहे हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करके।
प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी तो फूड की जो डिमांड है वो पूरी होगी। हैव लेड टू सम सक्सेसेस सो फार, तो हमें मतलब इस चीज में सक्सेस मिली है अभी तक कि हम फूड की जो भी डिमांड है मतलब जितने लोग हैं इतनी पॉपुलेशन है तो उसका हम क्या प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं, जो उत्पादन है उसको बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारा अभी तक चल रहा है ठीक है। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है मतलब वही पेड़ पौधे लगाओ और मतलब इसको बढ़ाना एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो। विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन से भी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को मतलब बढ़ावा मिला है। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसने भी योगदान दिया है फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। वी हैव ऑल्सो हैड द व्हाइट रेवोल्यूशन, हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी श्वेत क्रांति, विच हैज लेड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। श्वेत क्रांति में मिल्क के लिए यूज किया जाता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके ये हम जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ठीक है ना, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये होता है हमारा मिल्क से रिलेटेड, विच हैज लेड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, मतलब बेटर यूज करना और इसका और बेटर सबको मतलब अवेलेबल करवाना उपलब्ध करवाना। हाउ एवर दीज रेवोल्यूशंस मीन्स दैट अवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज मोर इंटेंसिवली, तो ये रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे संसाधन है जैसे यही एग्रीकल्चर और ये जो चीजें हैं इनका यूज हो रहा है अच्छे से, एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। इसने क्या बोला है देखो, एज अ रिजल्ट मतलब हम इनका अच्छे से यूज कर रहे हैं, यूज मोर इंटेंसिवली मतलब बहुत गहन यूज हो रहा है इनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका, तो एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली, तो इतना इंटेंसिव यूज हो रहा है ना इनका, इतना ज्यादा यूज हो रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनके डैमेज होने के ठीक है। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए हमें इसे बिना हानि पहुंचाए किसको, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना, डिग्रेड मतलब एक तरह से उसे हानि पहुंचाना या फिर किसी को डिग्रेड कर देना मतलब नीचा कर देना, तो अपने एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए बिना हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है, एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट, और जो भी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो भी बैलेंसेस है उनको भी डिस्टर्ब ना करें, तो इस तरीके से हमें अपने फूड की प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। डी ग्रेड का यहाँ से भी लिख लो, डी ग्रेड मतलब खराब कर देना या किसी को नीचा पद दे देना, इस तरीके से होता है किसी के सम्मान को घटाना, टू मेक पीपल रेस्पेक्ट समबडी लेस, अपने वाले में ये नहीं होगा, अपने वाले में होगा इसका ये लिख सकते हो, लोअर द क्वालिटी ऑफ और कॉज टू डेटेरियोरेट है ना, ये लिख लो, और ट्रीट और रिगार्ड विद कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्ट, ये नहीं सेकंड ये वाला लिख लेना, ये लोअर द क्वालिटी ऑफ ये लिख लो इसमें, रिड्यूस टू लोअर रैंक स्पेशली एज अ पनिशमेंट, लोअर द क्वालिटी ऑफ कॉस्ट टू डिटेरियोरेट, और ये तो आगे चलते हैं, ये पढ़ लिया पूरा यहाँ तक, अब आगे चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन है जनरल, इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं टिक करा दूंगी। Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. तो हमें मतलब एक तरह से सस्टेनेबल का मतलब होता है कि मतलब एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट ना करे, इस तरीके से हमें इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, यहाँ से भी लिख लो इसको।
यहां से ये भी लिख लो, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स को, एनर्जी को इस तरीके से यूज करना कि एनवायरनमेंट को कोई कोई हार्म ना पहुंचे। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करते हुए, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है दैट कैन कंटिन्यू और टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो देर तक बना रहे या कायम रखा जा सके, ये भी है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों ही लिख लो इसके, जो देर तक बना रहे दैट कैन कंटिन्यू और बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो बना रहे। There is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. तो हमें sustainable practices की मतलब जरूरत है एग्रीकल्चर में, खेती में और एनिमल हस्बेंड्री में। मतलब ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउस कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। बहुत छोटा मतलब है, ठीक है। आप देखें, ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेस कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर, ठीक है। हमने ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया, ठीक है, फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउस, उनको वेयर हाउस के अंदर हमने स्टोर कर दिया। और कैनॉट, तो अगर हम मतलब ग्रेन की प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं बट उनको हम वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख रहे हैं, तो क्यों स्टोर करते हैं? ताकि उसके मतलब जो प्राइजेस है वो हाई हो जाए। किसी भी चीज को स्टोर करके इसलिए रख लेते हैं कि फिर बाद में जब कमी पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइजेस हाई प्राइस पे हम बेचेंगे। कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर, तो अगर वेयर हाउसेस में स्टोर कर लेंगे ग्रेन्स को प्रोड्यूस करके, तो जो माल न्यूट्रिशन और हंगर है, मतलब भुखमरी और माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब खाने पीने की कमी से होता है ये। यहां से पोषण बोलते हैं इसको, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मतलब बैड हेल्थ दैट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड और इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड। पर्याप्त भोजन या सही प्रकार के पर्याप्त भोजन के अभाव से उत्पन्न अस्वस्थता, कुपोषण, ठीक है ना। कुपोषण तो सुना होगा। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर ठीक से फूड नहीं मिला है, सही तरीके का फूड नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो उस वजह से बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना एकदम, या तो एकदम पतले हो जाएंगे या पेट निकला होगा पतले से होंगे, इस तरीके से पतले पतले हाथ पतले पतले पैर, मतलब कुपोषण का शिकार हो जाएंगे वो। तो बैड हेल्थ मतलब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, दैट इज द रिजल्ट ऑफ। और क्यों अच्छी नहीं रहेगी हेल्थ? क्योंकि उनको इनफ पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल रहा है उनको, नॉट हैविंग इनफ फूड और इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड, सही प्रकार का पर्याप्त भोजन नहीं मिलने की कमी से, ठीक है। तो या तो कुपोषण की समस्या हो जाएगी या फिर हंगर मतलब भुखमरी हो जाएगी। हंगर मतलब लोग भूखे रह जाएंगे, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस तो कर लिए ग्रेन लेकिन आगे सप्लाई नहीं करा उनको, वेयर हाउसेस में स्टोर कर लिया। वेयर हाउसेस का मतलब होता है जो गोदाम होता है जहां पे अनाज को रखा जाता है, गोदाम। ठीक है, भंडार घर, माल गोदाम, जहां पे भी चीजों को रखा जाता है। अ बिल्डिंग वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू शॉप, मतलब दुकानों पे भेजे जाने से पहले बड़े बड़े जो वेयर हाउस होते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उनमें अनाज को और मतलब हर चीज को, जो भी खाने पीने की जो भी चीजें होती है, उनको स्टोर किया जाता है वहां पे। अब वहां से वो लोग उसको निकालेंगे ही नहीं, उसको स्टोर करके रखेंगे, शॉप पे भेजेंगे ही नहीं, तो वहां कमी पड़ गई ना, कमी पड़ गई, डिमांड बढ़ गई, लोगों को तो चाहिए, शॉप पे है नहीं कोई चीज, तो फिर उसकी बस प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ाने के लिए भी ये लोग ऐसा करते हैं। तो अब बिल्डिंग वेयर जो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब बिल्डिंग वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू शॉप, ठीक है। वेयर हाउस मतलब भंडार घर या गोदाम।
पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए फूड खरीदने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड की सिक्योरिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो फूड का अवेलेबल होना, मतलब उसका उपलब्ध होना, फूड होना भी तो चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, और एक्सेस टू इट, और एक्सेस भी होना चाहिए, ये नहीं कि वेयर हाउस में स्टोर करके रख रखा है, लोगों को तो मिल ही नहीं रहा। एक्सेस करना मतलब उस तक पहुंच होनी चाहिए, मिलना भी चाहिए मतलब उनको। द मेजोरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। हमारी मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब अधिकतम जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, खेती पे डिपेंड करती है अपने जीवन यापन के लिए। लाइवलीहुड का मतलब होता है, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन, ठीक है ना, मतलब जीने के लिए एक तरह से। द वे दैट यू अर्न मनी, रोजी आजीविका, धन अर्जित करने का ढंग, द लॉस योर टू लॉस योर लाइवलीहुड, ठीक है। द वे दैट यू अर्न मनी, लाइवलीहुड मतलब वही होता है जीने के लिए, जो हमें, तो यहाँ पे जीने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, खेती पे डिपेंड होते हैं लोग, ठीक है ना, रोजी रोटी के लिए। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयर फोर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो क्या करना चाहिए? इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल, तो लोगों की इनकम को बढ़ाना चाहिए। कौन से लोगों की इनकम को? जो काम कर रहे हैं खेती के अंदर। पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयर फोर नेसेसरी, मतलब ये एक तरह से जरूरी हो गया, टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, हंगर की समस्या को का समाधान करने के लिए या उससे लड़ने के लिए। कॉम्बैट का मतलब होता है, मतलब एक तरह से लड़ाई करने के लिए, ठीक है ना, संघर्ष करने के लिए, मतलब उसको उस चीज से संघर्ष करने के लिए। अ फाइट स्पेशल इन वॉर, अपने वाले में ये लिखो, प्रयत्न करना, ये आएगा। टू ट्राई टू स्टॉप और डिफीट समथिंग, टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, ये लिख लो, ये होगा अपना। टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए, मतलब संघर्ष करने के लिए, फाइट करने के लिए, कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, जो आतंकवाद है ये सब नहीं होना चाहिए। टू फाइट अगेंस्ट समबडी, किसी के विरुद्ध संघर्ष करना, तो हम यहाँ किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, कि मतलब हंगर की समस्या से संघर्ष करने के लिए, उसको हराने के लिए हमें एग्रीकल्चर में जो भी लोग काम कर रहे हैं खेती में, उनकी इनकम को बढ़ानी पड़ेगी। टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, टू ट्राई टू स्टॉप और डिफीट समथिंग, किसी के विरुद्ध संघर्ष करना, किसी को रोकना या हराने का प्रयत्न करना। टू कॉम्बैट टेररिज्म और अ फाइट स्पेशली इन अ वॉर, तो हंगर की, भुखमरी की समस्या को से संघर्ष करने के लिए, मतलब उसका समाधान करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज जरूरी है? जो भी लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मतलब खेती में जो भी लोग काम करते हैं, तो उनकी इनकम को हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स, खेतों से हाई यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, ज्यादा उत्पादन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें मतलब एक तरह से अंडरटेक करना पड़ेगा, उनको भी अपनाना पड़ेगा। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक, सस्टेन मतलब कंटिन्यूअसली लोगों को रोजी मिलती रहे, रोजी रोटी, तो उसके लिए वन शुड अंडरटेक मिक्सड फार्मिंग, तो उसके लिए मिक्सड फार्मिंग को हमें मतलब एक तरह से बढ़ावा देना पड़ेगा। इंटरक्रॉपिंग, मिक्सड फार्मिंग वही होता है, कई सारी खेत चीजों की खेती करना, कि एक क्यारी में ये लगा दिए, दूसरी क्यारी में ये लगा दिए, मतलब एक लाइन में ये क्रॉप लगा दी, दूसरे में ये क्रॉप लगा दी, ऐसे इंटरक्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग हो जाती है, एक बार ये खेती कर ली दूसरी बार ये कर ली, एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये सारी इंटीग्रेटेड भी वही हो जाते हैं, मिल बहुत सारे, मतलब एक इंटीग्रेटेड मतलब होता है जुड़े हुए बहुत सारे चीजों की खेती कर लेना। तो फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, तो इसमें क्या आ जाएगा, कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक मतलब खेती बाड़ी और जीव जंतु भी रखते हैं, पोल्ट्री एंड फिशरीज और ये बी कीपिंग, फिशरीज और ये बी कीपिंग और पोल्ट्री, ठीक है ना। पोल्ट्री होते हैं मुर्गी वर्गियों को रखना है, इनको पोल्ट्री बोला जाता है, यहाँ से लिख रहे सर। देखो मुर्गी आदि का मांस, बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल चिकन डक्स एटसेट्रा दैट आर केप्ट फॉर देयर एग्स और देयर मीट, मतलब इनको पालते हैं इनके एग्स के लिए, अंडों के लिए या फिर मीट के लिए, अंडों या मांस के लिए पाली गई बतख या मुर्गी ये सब, ठीक है। द मीट फ्रॉम दीज बर्ड्स, पोल्ट्री ये लिख लो यहाँ से सारी चीजें, और क्या था, फिशरी में अपने फिशेस को पालना होता है, चलो फिर भी लिख लो यहाँ से। फिशरी के अंदर आ जाएगा अ प्लेस वेयर फिश आर रियर्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, रियर्ड मतलब पालन पोषण करना, तो यहाँ पे फिश को एक तरह से यहाँ पे निकालना ये सब, ठीक है, ये फिशरी में आ जाता है। बी कीपिंग में जो मधुमक्खियां होती है उनको उनके शहद के लिए। तो द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, तो हम मतलब खेती बाड़ी को कैसे हम बढ़ाएं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उत्पादन किसी भी चीज का, चलो यहाँ से भी लिख लो इसको। यहाँ से लिख लो यील्ड का मतलब टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स, फसल या उपज लाभ या परिणाम देना, उपलब्ध कराना, ठीक है, किस कोई चीज उपलब्ध कराना। टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग और टू ऑबे समबडी, किसी के सामने झुक जाना है किसी की बात मान देना, ये वाला लिख लो फर्स्ट वाला, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स। प्रोड्यूस अपने में आ जाएगा टू प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना एक तरह से, ये लिखो उपज उत्पादन पैदावार, यील्ड का मतलब ये है द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड उसको बोलते हैं यील्ड, यील्ड का मतलब उपज उत्पादन या फिर पैदावार, मतलब कितनी कितना उत्पादन हुआ है, कितना कितनी पैदावार हुई है फसल में, तो द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड उसको हम बोलते हैं यील्ड। नीचे नीचे वाला लिखना था, अब ये पढ़ेंगे हम इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, मतलब क्रॉप के उत्पादन में इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, उसकी पैदावार में सुधार करना, जो भी हम खेती कर रहे हैं उसकी पैदावार में सुधार कैसे किया जा सकता है। चलो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, अभी इस वीडियो में यहीं तक ही करेंगे, इस वीडियो में हम बस यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और आज हम करेंगे टोटल आज कितना पढ़ेंगे, और वैरायटी यहाँ तक कब पढ़ लेंगे आज शायद अपन, देखते हैं, चलो ठीक है, अभी यहाँ तक ही हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से।